महाराष्ट्र की तस्वीर की अगर बात करें तो बीजेपी ने शिवसेना से लड़कर भी पालघर में अच्छा किया है। पालघर ही आज बीजेपी के लिए राहत लेकर आया है। 2014 में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़े थे सीट पर, इस बार बीजेपी और शिवसेना आमने सामने थे। शिवसेना को खासा नुकसान हुआ, बीजेपी को हुआ फायदा। शिवसेना बीजेपी से लड़ी, अकेले कुछ भी नहीं कर पाई पालघर की सीट पर, फायदा बीजेपी को हुआ, पर सिर्फ पालघर का ही फायदा हुआ। एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर भंडारा में बीजेपी को पछाड़ा, बीजेपी का खेल बिगाड़ा। नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल साथ आए, समीकरण बदले और भंडारा गोंदिया में बीजेपी हार का सामना करती हुई नजर आ रही है। प्रफुल्ल पटेल भंडारा गोंदिया में जिस तरह से लीड एनसीपी के उम्मीदवार ने ली, उस पर क्या कह रहे हैं सुनिए। और भंडारा गोंदिया में भी उसी तरह से ये प्रक्रिया जारी है, जहां सारा विपक्ष एक जगह आने के बाद ये विजयी यहां पर होने की संभावना हो रही है, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है। मैं अभी अंतिम वोट की गिनती होने के पहले कोई अपने ओर से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी रही, रिपब्लिकन पार्टी रही, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी रही, ये सारे दलों का जब वोट एक जगह गिरा तो उसका भी एक बहुत अच्छा परिणाम आज यहाँ देखने मिल रहा है। नाना पटोले ने भी इस्तीफा दिया उसका भी, और उसके बाद खास करके पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ में जब वोट गिरा तो उसका भी अब लोगों को एहसास होने लगा है कि डेफिनेटली हम लोगों से जो हमारे इस क्षेत्र का विकास हो रहा था, हमारे यहाँ की जो प्रगति हो रही थी, उसमें रुकावट आई है। तो मैं अभी इतना ही कहूँगा कि अंतिम वोट की गिनती अभी बाकी है, लेकिन हम विजय के ओर अग्रसर है और ये विजय खास करके हमारे सब लोगों के संयुक्त आने की वजह से हुई है, और सरकार के खिलाफ में वो केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ में लोगों की अब निष्ठा नहीं रही है, ये उसका एक सबूत है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।